गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कांदीवली डी मार्ट का वीडियो, जो कि अभी लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है वहाँ पे। तो मैंने सारी चीज़ें डिटेलिंग में शूट की हैं, तो चलिए देखते हैं। बास्केट है ये 200 रुपीज़ की थी, और इसमें आप काफ़ी फ्रूट वगैरह रख सकते हो स्टोर करके। और कहीं बाहर आपको जाना है, जैसे पिकनिक वगैरह पे हम जाते हैं मोस्टली, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी, और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी तो अच्छी होती है डीमार्ट में। तो अभी डी मार्ट में आपको प्लांटिंग में भी आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि ये पॉट आप देख रहे हो। मैं बाहर मैंने इसका प्राइस पूछा था तो काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे और क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। तो आप ये पॉट देख रहे हैं, ये आपको बेसिकली चीनी मिट्टी का शेप में लगेंगे देखने में। वैसे ये प्लास्टिक है, बट इनका जो जो क्वालिटी है और जो इनका जो डिज़ाइन है उसको देखते हुए ऐसा लगेगा जैसे चीनी मिट्टी का जो रियल होता है उस तरीके से लगेगा आपको। तो गार्डनिंग के लिए और प्लांटिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। आप ये देख सकते हो, ये हुक वाले भी आपको यहाँ पे पॉट मिल जाएंगे। तो ये जो किसी लेयर वाली जो जितने भी पौधे होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं इसमें आप लगाते हैं, तो अपनी विंडो पे आप ये कहीं पे भी आप जहाँ पे आपको जगह लगती है वहाँ पर। तो ये मोबाइल स्टैंड है पोट्रॉनिक्स का, ये 100 रुपीज़ का था। जैसे आप मोबाइल वगैरह में मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें आप स्टैंड ऐसा रख के उसको स्ट्रेट देख सकते हैं। डेली यूज़ की जितनी भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं सब आपको डीमार्ट में मिल जाएंगी इजीली, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगी। मुझे इसीलिए डीमार्ट काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे जितनी भी एसेंशियल जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं काफ़ी अच्छे दाम में आपको मिलेगी बाहर के अकॉर्डिंग, और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी।
यहाँ पे आपको ब्यूटी से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये क्लिप्स वगैरह हैं, तो आप जितनी भी हेयर एक्सेसरीज होती हैं, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डस्टबिन में भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में जाते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा नॉर्मल आप क्वालिटी में लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि मतलब आप थोड़ा कम रेंज में जाते हो तो आपको थोड़ा सा वैसा क्वालिटी मिलेगा, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे। और जैसे हम कूड़ा उठाने वाला जो यूज़ करते हैं अपने घर में, उसके साथ में ये ब्रश आपको मिल रहा है, तो ये ब्रश के साथ में आपको 99 रुपीज़ का पड़ेगा, और ये 49 का है विदाउट ब्रश। तो मैंने ग्रे कलर इसमें परचेज किया है और इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, ईज़िली उठ जाता है। थोड़ा सा बड़ा लेंगे ना आप तो ज़्यादा ईज़िली आपको कूड़ा उठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उठाने में। और ये 65 रुपीज़ का था और इसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी थी काफ़ी, तो ये 65 रुपीज़ का था। किचन में चीज़ें टांगने के लिए जो हमें हुक वगैरह वाला चाहिए होता है, जो स्टैंड होता है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 222 का, और क्वालिटी अच्छी है इसकी भी। जैसे आप कपड़ा वगैरह टांगना चाहते हो, कोई बर्तन वगैरह टांगना चाहते हो तो उस पर आप टांग सकते हो। और यहाँ पे आपको ये हैंगर्स भी मिल जाएंगे, हैंगर में 89 रुपीज़ के आपको मिलेंगे, यहाँ पे 6 मिलेंगे आपको पीस इसमें, और क्वालिटी भी अच्छी है। मैं यहाँ से हैंगर हमेशा लेके जाती हूँ तो मुझे क्वालिटी वाइज कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पे बकेट आपको मिल जाएगी, 149 की बकेट मैंने ये परचेज की थी, इसमें दूसरा कलर मैंने परचेज किया था और ये लाइट कलर है, मैं थोड़ा डार्क कलर परचेज किया है, और क्वालिटी अच्छी है, मैं बहुत दिनों से परचेज कर रही हूँ। तो मैंने ये ब्राउन कलर परचेज किया है इसमें, और इसका दूसरा कलर भी था बट मैंने डार्क कलर लिया है। और ये वाला जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ये 300 रुपीज़ का था, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी थी, इससे लिटिल बिट थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी थी, और ये इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो दूसरा वाला मैंने परचेज़ किया 149 का, वो भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी का हो, काफ़ी अच्छी हार्ड क्वालिटी है दोनों की। तो सब्जी वगैरह ला रहे हैं आप, ग्रोसरी वगैरह ला रहे हैं, उसके आपको बैग मिल जाएंगे यहाँ पे, 100 रुपीज़ का बैग था, इसकी क्वालिटी काफ़ी मोटी है, काफ़ी अच्छी है। और ये जो आप देख रहे हो इसमें आप थोड़ी लाइट चीज़ें रख सकते हो, कोई भी आप सामान परचेज़ करके डी मार्ट से ही ले जा रहे हो तो आपको आराम से इसमें ईजी रख सकते हो। उसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और बस थोड़ा सा दाग धब्बों से इसे बचाना पड़ेगा। ये 79 का बास्केट आपको मिलेगा और इसमें आप कोई भी सामान स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बॉक्स है, ये बॉक्स मैं पहले भी ले जा चुकी हूँ, 99 रुपीज़ का ये बॉक्स है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर ही बॉक्स है, 5 पीसेस मिलेंगे आपको। और ये आप देख रहे हैं 75 रुपीज़ का आपको यहाँ पे मसालदानी मिलेगी, तो मसाले वगैरह रखने के लिए प्लास्टिक का है या स्टील का भी अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आप प्लास्टिक का लेते हो तो प्लास्टिक का भी आपको मिलेगा, स्टील का भी मिल जाएगा, दोनों ही अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से हैं। और ये थोड़ा छोटा है, इसमें बड़ा साइज़ भी है, और ये आपको 79 का पड़ेगा जो ये आपको दिख रहा है। तो मैंने ये वाला परचेज़ किया है पिंक वाला, और ये 179 का आपको चॉपर मिल जाएगा आपको बोर्ड, तो ये इसमें चॉपिंग बोर्ड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, मैंने टच करके देखा था। अगर आप ये लोगे तो आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा 129 का, और दोनों ही क्वालिटी में अच्छे हैं, दोनों ही अगर आप यूज़ करते हैं तो। और ये आपको कैंडी स्टिक मिल जाएंगी, जैसे कि हमें कुल्फ़ी वगैरह बनानी होती है तो। और ये 79 का आपको बॉटल वॉटल साफ़ करने के लिए ब्रश मिल जाएगी, तो इससे ब्रश वगैरह से आप बॉटल वगैरह साफ़ कर सकते हो। ये आपको 89 रुपीज़ का मिलेगा, ये रबड़ का है, इसे आप कहीं फोल्ड करके ले जा सकते हो, जैसे आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आप ये प्लेट्स जो देख रहे हैं ये लाइक चीनी मिट्टी की दिख रही है, लेकिन ये उसकी प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, अगर आप टूटेंगी नहीं आप यूज़ करते हैं तो, काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी भी रहती है और देखने में लुक भी बहुत प्यारा आता है। तो ये आपको पोर्टेबल फ़ैन मिल जाएगा, इसकी जो हवा है वो भी काफ़ी नॉइज़ फ्री थी, नॉइज़ नहीं था बिल्कुल भी इसमें। और यहाँ पे साइड में इसमें बटन दिया है लाइट का, और ये LED लाइट है, अगर रात में आप नाइट में आपको लाइट की ज़रूरत है तो आप इसे जला सकते हो, अपना पढ़ते वक्त आप इस फ़ैन को यूज़ कर सकते हो, बैठे हो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी हवा भी थी इसकी। इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि इंडक्शन है आप देख रहे हो, और जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने किचन से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे इजीली। और रैकेट भी मिल जाएगा, ये आपको 299 का यहाँ पे मिल रहा था, और इसमें लाइट का भी सिस्टम है, आप लाइट ऑन करके इजीली मच्छर मार सकते हो अगर अंधेरे का टाइम है रात में तो। बैठने की आवाज़ करती है, तो
बजाज का है वाटर केटल 1.2 लीटर का है, 1300 रुपये का है, 1299 का है ये बजाज। तो ये ब्लैंकेट का कलेक्शन है, मैं गई थी थोड़ा जब ठंड थी हल्की हल्की उस टाइम पे मिल रहा था, तो मैंने वो वीडियो भी ऐड कर दिया है, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मुंबई में वैसे भी बहुत ठंड कम पड़ती है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, और जैसे क्वालिटी वाइज लोग थोड़ा सा डाउट करते हैं जिन लोगों ने शॉपिंग नहीं की है डीमार्ट से कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप आते हो तो इसलिए वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम डीमार्ट आ रहे हो तो एक बार ज़रूर आइएगा, आप दोबारा तो जाएंगे आप हमेशा आते रहेंगे वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह की भी क्वालिटी यहाँ पे रेट के हिसाब से है, जिस हिसाब से रेट होगा उस हिसाब से क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अब मैं ये वीडियो यहीं फिनिश कर रही हूँ, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।